हेलो स्टूडेंट, दिस इज कौशल किशोर शर्मा एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। इंग्लिश पॉइंट पर दोस्तों आपका स्वागत है। आज जो क्लास लेंगे काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इसके पहले मैं लगभग प्रैक्टिस सेट 35 करवा चुका हूँ और ये 36 नंबर का इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, इस ये क्लास आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी। जो अभी स्टूडेंट हमारे MP टेट प्राथमिक शिक्षक के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या CTET के लिए कर रहे हैं या फिर किसी अन्य परीक्षा के लिए जिसमें आपको इंग्लिश आनी है, तब ये क्लास आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी, क्योंकि इसमें मैं ऑब्जेक्टिव ग्रामर के साथ साथ इसके रूल्स भी साथ में बताऊंगा। तो कम टाइम में आपके रूल्स और ग्रामर की प्रैक्टिस दोनों यहाँ पर होती चली जाएंगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करता हूँ आज की क्लास को, और यहाँ पर हमारा पहला सेंटेंस है, ही रिटायर्ड फ्रॉम बिजनेस ऑइंग टू हिज इल हेल्थ। यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड है इसका क्या करना है, पढ़ते हैं। रिप्लेस द अंडरलाइंड फ्रेज विद अ सिंगल वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ पर यानी हमें ये रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस किया जाएगा, और रिप्लेस के लिए हमारे पास ऑप्शन है सिंस, बिकॉज, एज बिकॉज या बिकॉज ऑफ। तो सबसे पहले देखिए कि ऑइंग टू होता है, इसका मीन्स होता है ड्यू टू, आपका ड्यू टू मतलब ये कारण, हिंदी जो अर्थ इसका आता है वो। ठीक है, तो ये रीजन बता रहा है, और यहाँ पर जो एक फ्रेज लगा हुआ है डी नंबर का बिकॉज ऑफ, ये इसी का सिमिलर है ऑइंग टू की। तो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी नंबर का आपका बिकॉज ऑफ, यानी ऑइंग टू का जो सिमिलर वर्ड होगा वो होगा आपका बिकॉज ऑफ। चलिए सेकेंड सेंटेंस है कि यहाँ पर पूछा गया है डैश लेटर्स आर एड्रेस्ड टू न्यूज़पेपर लीडर या हाई ऑफिशियल्स। इस तरह के लेटर्स को हम क्या बोलते हैं, पर्सनल लेटर, बिजनेस लेटर, एडिटोरियल लेटर या ऑफिशियल लेटर। तो देखिए बिजनेस पर्सनल लेटर जो होते हैं वो हम अपने रिश्तेदारों को, परिवार के लोगों को, भाई बहन को जो लिखते हैं वो पर्सनल लेटर होते हैं। बिजनेस लेटर जैसे आप कोई शॉप चलाते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, आपको किसी से सामान खरीदना है, वहाँ पर पहुँचाना है, तो उसके लिए जो लेटर लिखेंगे वो बिजनेस लेटर होते हैं। एडिटोरियल लेटर्स क्या होते हैं, एडिटोरियल लेटर्स आपके होते हैं जैसे आपकी गली मोहल्ले में कोई प्रॉब्लम है और आप किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को आप लेटर लिखना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम बताना चाहते हैं, वो एडिटोरियल लेटर्स होते हैं। और ऑफिशियल लेटर्स जो होते हैं वो होते हैं आप किसी न्यूज़पेपर के लिए लिखें या लीडर के लिए लिखें या फिर किसी ऑफिस के लिए लिखें, गवर्नमेंट ऑफिस के लिए, तो ये आपके ऑफिशियल लेटर होंगे। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा इसका वो होगा डी नंबर का। चलिए नेक्स्ट है, इट इज़ द मैन एंड वूमन बिहाइंड द मशीन एंड द पीपल हु मैनेज द टेक्नोलॉजी हु आर क्रिटिकल इन ब्रिंगिंग अबाउट दीज इम्प्रूवमेंट्स। तो इस पैसेज में जो वर्ड है क्रिटिकल, उसका मीन्स बताना है। ऑप्शन है एनालिटिकल, क्रूशियल, जुडिशियल या जुडिशियस। तो क्रिटिकल मीन्स होता है क्रूशियल, तो राइट ऑप्शन होगा इसका वो होगा बी। ओके नेक्स्ट है सेंटेंस आपका है डैश आई एम पुअर आई एम ऑनेस्ट, यानी मैं गरीब हूँ मैं ईमानदार हूँ। आपका क्लॉज लिखा हुआ है, ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है, एंड ऑप्शन है बिकॉज, वाइल, द, वेयर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें जो राइट ऑप्शन हो रहा है इसमें फिल करने के लिए वो हो रहा है सी नंबर में, द मतलब हालांकि या यद्यपि, मैं गरीब हूँ लेकिन मैं कैसा हूँ, ईमानदार हूँ। तो राइट ऑप्शन इसका डी। ओके नेक्स्ट है आपका सेंटेंस, नॉट ओनली डेड रमन लाई, केवल रमन ने ही झूठ नहीं बोला, ही डैश चीटेड हिज फ्रेंड, उसने झूठ ही नहीं बोला बल्कि उसने क्या किया, चीट भी किया। ऑप्शन फिल करना है अगेन, एब्सोल्युटली, इवन मोर या ऑल्सो। तो सबसे पहले याद रखें कि आपका एक क्लॉज है कोऑर्डिनेट क्लॉज, जिसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज किए जाते हैं, और उन्हीं में से आपके जैसे बोथ, एंड का यूज होता है, नॉट ओनली, बट आल्सो का प्रयोग किया जाता है, ईदर डैश और का यूज होता है, नीदर डैश नॉर का यूज किया जाता है। तो ये आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजेक्शन होते हैं, ठीक है ना। तो नॉट ओनली के बाद क्या आता है, बट आल्सो, लेकिन ये जरूरी नहीं कि बट आना ही चाहिए, सब्जेक्ट के बाद यूज हो रहा है तो ऑल्सो से भी काम चल जाएगा। तो यहाँ पर नॉट ओनली के साथ जो राइट ऑप्शन हो रहा वो होगा डी, यहाँ पर यूज किया जाएगा। ओके नेक्स्ट है,
आई प्रेफर द रेडियो सेट, मुझे रेडियो सेट पसंद है। द गुड ओल्ड वॉच बाई योर बिसाइड एंड हियर अगेन द ओल्डर एंड द लार्जर द रेडियो सेट द बेटर फॉर मी। आई डू नॉट लाइक दीज न्यू फ्रेंजल ट्रांजिस्टर्स। ओके, तो यहाँ पर ये बताना है कि जो न्यू फ्रेंजल्ड का मतलब क्या है इस लाइनों में। तो न्यू फ्रेंजल्ड, आप फ्रेंजल्ड की बात करें तो फ्रेंजल्ड मीन्स होता है फैशनेबल। ओके, फैशन। तो राइट ऑप्शन होगा इसका वो होगा डी नंबर का, यानी न्यूली केम इनटू फैशन, कोई चीज़ अभी हाल ही में फैशन में आई है वो। नेक्स्ट है आपका सेंटेंस आई डैश यू टू कीप क्वाइट। यहाँ पर आपको यूज करना है बैड फ्रॉम, बैड फॉर, बैड ऑफ या बैड। तो याद कर लो कि जो बैड वर्ब होती है इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है, ना कि कोई प्रपोजिशन लगा के। तो ना पहला यूज हो रहा, ना बी दूसरा, ना ही तीसरा, यानी ए बी सी में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन हो रहा बोल रहा है यहाँ पर डी। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस यू डैश दैट यू लाइक द बुक। यूज करना सैड, सेइंग, टेल या टेलिंग में से। तो सबसे पहले हम देखें ये हमारा नरेशन लिखा हुआ है, इनडायरेक्ट नरेशन है जिसमें आपकी अपनी रिपोर्टेड स्पीच देखेंगे तो पास्ट टेंस में लिखी हुई है, तो यहाँ पर भी पास्ट में वर्ब होनी चाहिए। अब ऑप्शन ये है आपके पास कि से सैड एंड सेइंग में से क्या आएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो रहा है ए, तो यहाँ पर यूज किया जाएगा सैड। अब बी क्यों नहीं किया जाएगा, उसका ऑप्शन कारण समझें कि यदि आप ऐसे लिखते हैं यू सेइंग तो यहाँ पर ये सेंटेंस रॉन्ग है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब में आईएनजी फॉर्म यूज नहीं होती है। आप टेल लगा सकते हैं, आप कहें कि यहाँ पर टेल का यूज कर लेते हैं, तब भी ये सेंटेंस गलत है क्योंकि टेल ऑलवेज टेक्स एन ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट कंपलसरी आता है टेक के बाद और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और टेल के बाद ऑब्जेक्ट कंपलसरी आना है। एंड डी भी नहीं किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर एडजुलरी वर्ब और कोई यूज नहीं है। तो राइट ऑप्शन हो रहा बोल रहा आपका ए सेट। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस आई विश आई डैश माई फेथ। यहाँ पर यूज करना है आपको कोड मे बी विल या वुड में से। तो सबसे पहले देखें ये प्रेजेंट में है तो हमें यहाँ पर प्रेजेंट की फिल करना है, तो वर्ब मॉडल वर्ब तो कोड और इसमें से तो होगी ही नहीं। अब इसके बाद बची हमारे पास मे बी या विल, तो कमेंट करते जाइए साथ में, बताते जाइए कि यहाँ पर कौन कौन सी वर्ब यूज होंगी और आगे के सेंटेंस में ही कमेंट करके ज़रूर बताना है। ओके, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो रहा वो हो रहा आपका सी, यहाँ पर बिल का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है द गार्बेज वाज डैश आउट। आपको यूज करना है थ्रो, थ्रू, थ्रोन एंड थ्रोइंग में से करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर फिल करना है। तो ये सेंटेंस लिखा हुआ है आपका पैसिव वॉइस में, ठीक है। और पैसिव वॉइस में क्या होता है, बाज बर्फ के साथ बर्फ की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो राइट ऑप्शन हो रहा वो हो रहा यहाँ पर सी। नेक्स्ट सेंटेंस है ही डैश द डोरबेल। यूज करना पुश, रेंज, रेंज या रेंजिंग में से। तो सबसे पहले इसमें देखें जो राइट ऑप्शन हो रहा वो हो रहा आपका बी रेंज, ही रेंज द डोरबेल। अब ए क्यों नहीं यूज हो रहा, क्योंकि आपका ही थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके बाद वर्ब लगाएंगे तो एस या ई एस आना चाहिए था, ठीक है। रेंज आपका तो राइट है ही, क्यों सब्जेक्ट के बाद वर्क सेकेंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस में ये टेंस लिखा हुआ है। इसकी यहाँ की बात करें रेंज नहीं आएगा क्योंकि यहाँ भी आपकी वर्ब में एस होना चाहिए था। रेंज इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि एडजुलरी वर्ब इज आना चाहिए था या वाज आना चाहिए था, वो भी यहाँ पर नहीं है। तो राइट ऑप्शन हो रहा बोल रहा बी। नेक्स्ट है आई डोंट नो डैश यू आर थिंकिंग। यूज करना वेयर, व्हाट, व्हाइल एंड एज में से। आपका क्लॉज लिखा हुआ है एंड ये नाउन क्लॉज है और यहाँ पर जो राइट ऑप्शन यूज हो रहा वो हो रहा आपका व्हाट। आई डोंट नो व्हाट यू आर थिंकिंग। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस डैश यू लिव लॉन्ग। यूज करना है मॉडल वर्ब कैन, मस्ट, विल या मे में से। तो ये विश वाला सेंटेंस है, विश की जाती है मे मॉडल वर्ब से। तो राइट ऑप्शन हो रहा बोल रहा आपका डी, यानी मे यू लिव लॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस है सी गोइंग टू गो डैश नोबडी इज गोइंग टू फाइंड हर। यानी वह वहाँ जाएगी जहाँ पर उसे कोई भी ना ढूंढ पाए। और हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पर व्हाट, व्हेन, देयर एंड व्हेयर। तो ये आपका क्लॉज लिखा हुआ है और क्लॉज में भी है आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, और एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस में यूज किया जाता है व्हेयर।
तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका डी नंबर। ओके नेक्स्ट है द पुलिस डू नॉट नो डैश द एक्सीडेंट हैपन्ड, और यूज करना है यहाँ पर बिफोर आफ्टर व्हेन एंड व्हाट। तो सबसे पहले देखिए ये भी आपका क्लॉज है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है एंड एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में इस सेंटेंस में व्हेन का यूज करना होगा। पुलिस को भी नहीं पता है जब एक्सीडेंट हुआ तो राइट ऑप्शन होगा आपका सी। ओके नेक्स्ट है अनु बांड्स डैश एप्पल्स टू मेक ए पाई, यहाँ पर यूज करना है डिटरमाइनर सम एनी वन या लिटिल में से। तो सबसे पहले यहाँ पर जो यूज हो रहा वो हो रहा ए, क्योंकि सम का प्रयोग आप किस तरह के सेंटेंस में करते हैं मोस्टली पॉजिटिव सेंटेंस में करेंगे, ठीक है। एनी का यूज या नहीं हो रहा क्योंकि एनी का यूज निगेटिव और क्वेश्चन में किया जाता है, हालांकि सम का यूज भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। वन का यूज इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वन के बाद सिंगुलर नाउन आता है और यहाँ पर एप्पल प्लूरल लिखा हुआ है। लिटिल का यूज भी नहीं हो रहा क्योंकि इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है। तो राइट ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट दे हैव नेवर बीन पुअर डैश दे ओपन द शो, तो यहाँ पर यूज करना सिंस सो जस्ट सो या वाइल में से, ये भी आपका क्लॉज है और ये है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन आपका ये क्लॉज है तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका सिंस दे हैव नेवर बीन पुअर, यानी वे पहले कभी गरीब नहीं थे जब से उन्होंने दुकान खोली है। तो यहाँ पर क्या यूज होगा सिंस। ओके नेक्स्ट है सोमा कोड डैश टेक द ब्लू कोड डैश द ग्रीन वन बट नॉट बोथ, यूज करना है आइदर और नाइदर नॉर आइदर नॉर नाइदर नॉर। तो सबसे पहले देखिए कि जो स्ट्रक्चर होता है आइदर के साथ और का यूज किया जाता है, नाइदर के साथ नॉर का यूज किया जाता है, आइदर के साथ नॉर का यूज नहीं होता है एंड नाइदर के साथ और का प्रयोग नहीं होता है। तो इन दोनों में से देखते हैं, यहाँ पर पूछ रहा गया है कि सोमा या तो ब्लू कोट ले सकती है या ग्रीन कोट ले सकती है लेकिन दोनों नहीं ले सकती। आइदर का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई दो चीज़ हैं और इन दोनों में से कोई एक, ये अर्थ होता है। नाइदर का मीन्स क्या होता है, नाइदर का यूज भी दो के लिए किया जाता है, उसमें कहा जाता है ना तो ये वाला और ना ही ये, यहाँ पर केवल एक ले सकते हैं। तो इन दोनों में से चॉइस है तो राइट ऑप्शन होगा आपका ए कि सोमा कोड आइदर टेक द ब्लू कोड और द ग्रीन वन बट नॉट बोथ। नेक्स्ट सेंटेंस है नॉट ओनली डैश बेगर्स वर आउट इन द स्ट्रीट, नॉट ए डैश वेगर्स वर आउट इन द स्ट्रीट, यूज करना है आपको डिटरमाइनर लिटिल अलॉट फ्यू इन में से, एक और ऑप्शन है कपल में से। तो सबसे पहले देखिए लिटिल की बात क्या आता है, अनकाउंटेबल नाउन आता है, बेगर कैसा नाउन है प्लूरल काउंटेबल नाउन तो यूज नहीं होगा। नेक्स्ट है डैश ओनली, ओनली का मतलब ये है फ्यू, है ना, ओनली अ फ्यू होता है ओनली अलॉट नहीं होता, इस बात को भी याद रखें, ओनली के बाद अब यूज किया जाएगा। तो राइट ऑप्शन हो रहा है आपका सी। एंड जो डी नंबर का है ट्रपल, ट्रपल का यूज किया जाता है दो के लिए तो यहाँ पर टू की कोई बात नहीं हो रही है, तो राइट ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट है द रॉबर्स ब्रॉट इन टू द हाउस डैश द फैमिली वाज अबे ऑन वकेशन, यूज करना जस्ट अंटिल सो एलोन जज वाइल। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो रहा है वो हो रहा है डी वाइल, रॉबर्स ब्रॉट इन टू द हाउस, लुटेरे घर के अंदर आए कब, वाइल द फैमिली वाज अवे ऑन वेकेशन, जब फैमिली छुट्टियों पर थी। ओके तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, यदि पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें एंड लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।